फिनलैंड के प्रायोजक है। बीएमएच के मसाले अच्छी सेहत के लिए जरूर, जो है स्वाद में भर। नमस्कार, बिहार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति और शुरुआत करेंगे राजधानी पटना से, जहां मगध विश्वविद्यालय के 2015 से 18 बैच के तृतीय वर्ष के छात्रों ने सैकड़ों की संख्या में राजभवन मार्च निकाला। नाराज छात्रों का कहना था कि सरकार उनके साथ नाइंसाफी कर रही है। वहीं परिणाम घोषित न करने से नाराज छात्रों ने सड़क पर जमकर प्रदर्शन किया। छात्रों ने बीजेपी के पोस्टर और बैनर फाड़ते हुए कोतवाली थाने तक जा पहुंचे, जहां पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज कर दिया। वह इस मामले में पुलिस ने 9 छात्रों को गिरफ्तार भी किया है। दोस्तों, हम लोग पहली बात, हम लोग अपना मर्यादा बनाए रखें, आकर्षित करना, जारी करना। हम लोग राजभवन जाएंगे, पुलिस हमारी कोऑपरेट करेगी, पुलिस हमारे घर का पुलिस है। हम मंदिर पे हमला पे यह है कि 92,000 छात्रों का जो मगध यूनिवर्सिटी द्वारा पार्ट थर्ड का रिजल्ट रोका गया है, वो त्वरित कार्यवाही करते हुए हमारा रिजल्ट जारी किया जाए, क्योंकि बिहार सरकार मगध यूनिवर्सिटी और विश्व और महाविद्यालयों की विफलता के वजह से आज 92,000 छात्रों का फ्यूचर अधर में पड़ा हुआ है। और अब आज हम अपने रिजल्ट को लेने के लिए मजबूर है रोड पर उतरने के लिए। 30,000 छात्रों का हाई कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद एफिलिएशन नहीं देकर के उनका रिजल्ट रोका है। ये सरासर राज्य सरकार और विश्वविद्यालय की गलती है, और इसमें लोग हवाला दे रहे हैं हाई कोर्ट का, लेकिन हाई कोर्ट ने साफ कर दिया है कि बच्चों का रिजल्ट दे देना चाहिए 6 हफ्ता के अंदर। उसका कारण है कि अभी 3 महीना हो गया हाई कोर्ट का, 6 की जगह 12 हफ्ता हो चुका है, लेकिन ये लोग सुनने को काम नहीं है, तो हम लोग को सर पर आना पड़ा। तो आप लोग मीडिया बंधुओं से अनुरोध है कि आप लोग भी आइए, हम लोगों के साथ दीजिए, क्योंकि उधर पटना के विद्युत भवन कार्यालय में पॉलिटेक्निक के नाराज छात्रों ने सैकड़ों की संख्या में हंगामा किया। बताया जा रहा है कि लाठी डंडे से लैस सैकड़ों छात्र विविध कार्यालय में जा घुसे। वहीं अंदर जाने के बाद छात्रों ने कई गाड़ियों के शीशे, गमले और मौजूद गार्ड के साथ मारपीट भी की। छात्र अपने साथ पेट्रोल भी लेकर आए थे। छात्रों की मंशा पूरे कार्यालय में आग लगाने की थी, जिसे कार्यालय के कुछ स्टाफ ने विफल कर दिया, और इस मामले में 2 छात्र को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। फिलहाल पुलिस ने बताया है के इस पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। थोड़ा सा भैया, भाई क्या क्या नाम है तुम्हारा जी? पवन कुमार नाम है। कौन क्या कर रहे थे यहाँ? कुछ काम से आए थे तुम? यही दोनों पेट्रोल है, मीडिया में देख लिया, दो बोतल पेट्रोल एक पेट्रोल लेके आए थे लोग, दो बोतल, चार बोतल आया था, दो बोतल बिक दिया, विद्युत भवन को जलाने के प्रयास कर दिया। ये सारे बच्चे 200 बच्चे थे, गेट पर जब आए तो पहले वहाँ जो सिक्योरिटी वाले खड़े थे उनको मारना शुरू किए। मैंने शीशा से देखा कि वहाँ पर हंगामा हो रहा है, अपने स्टाफ को बोला कि चलो भाई बाहर चलो। बाहर आए तो ये बच्चे लोग सारे लोग यहाँ आ चुके थे गेट पे। गेट पे आने के बाद गमला उठा के पटकना शुरू किए, गाड़ी फोड़ना शुरू किए। ये आए
उसके बाद लाठियां निकली है, लाठियां लेके जब हम लोग दौड़े हैं तो ये लोग भागना शुरू किया है। 200 के लोग सर, उसमें जो बीएसपी सेल की था, जो जेई का एग्जाम लिया गया था, उसमें जो 90 क्वेश्चन बहुत कठिन था, फिर भी वहाँ पर 95 नंबर 90 नंबर ला के उसमें तो सब टारगेट किए सर। ये था मेन था कि एग्जाम कैंसिल करने के चक्कर में हम तो स्टेटमेंट नहीं ना। ऐसा है कि हम इंटेलिजेंस में हैं और जब हमको सूचना मिली तो देखिए तब तक ये लोग अंदर घुस गए थे, तो ये सारे मिल करके पेट्रोल गिरा करके आग लगाने का प्रयास किया गया। जब उसमें ये लोग आग लगाने का प्रयास किया गया तो नहीं सक्षम हुए, तो ये लोग का किया तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया। तब तक हमने इनको बर बचाव करने के लगभग 200 से प्लस थे। दलसिंह सराय में भारतीय सेना के द्वारा पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादी को मारने के लिए भारत सरकार के समर्थन में तिरंगा यात्रा निकाली गई। यह यात्रा स्थानीय महावीर चौक से NH 28 सरदारगंज चौक होते हुए पुनः वापस महावीर चौक पर पहुंची, जिसके बाद लोगों के बीच मिठाइयां बांटी गई और पटाखे भी फोड़े गए। इस यात्रा का नेतृत्व भाचियुम और जिला उपाध्यक्ष रंजीत साहू और बिट्टू कुमार ने किया। भारतीय सेना ने पूरे भारतीय जनमानस के भावनाओं का ख्याल रखा है और भारतीय जनता इस उम्मीद में थी कि मोदी और भारतीय सेना कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे और ऐसी ही कार्रवाई भारतीय सैनिकों ने की है और पाकिस्तान को छठी का दूध याद दिला दिया है। आज हमने होली और दिवाली एक साथ ही इसी उपलक्ष्य में मनाया है। हम और हमारी सारी प्रजा, हमारी सारी जनता हमारे साथ सड़कों पर उतर आई है। ये उत्सव का माहौल है हमारे लिए। भारत माता की जय, वंदे मातरम। आज जो भारतीय सेना पाकिस्तान में घुस के अटैक की है, उस पे क्या प्रतिक्रिया आपकी? आज का दिन ऐतिहासिक दिन है और पूरे भारत में पूरा खुशी का माहौल है। पटाखा छोड़े जा रहे हैं, मिठाई एक दूसरे को खिलाया जा रहा है, अबीर गुलाल सब उड़ रहे हैं। बहुत ही खुशी का दिन है आज। मैं तो बस यही कहूँगा कि भारत माता की गया में पति पत्नी के झगड़े के बाद गुस्साई पत्नी ने खुद पर किरोसिन तेल छिड़क कर आग लगा ली। आग से पूरी तरह झुलसी महिला पूजा कुमारी की मौत घर में ही हो गई। जब उसके पति के द्वारा पत्नी को बचाने का प्रयास किया गया तो वो भी आग के चपेट में आ गया और गंभीर रूप से झुलस गया। वहीं इस बीच घर में रही एक बच्ची भी मामूली रूप से झुलस गई। घटना विष्णुपुर थाना के नई सड़क की है। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय थाना की पुलिस पहुंचकर घायल पति और बच्ची को इलाज के लिए अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया। वही तो देख के बेचारा वो रोवाई चुके थे हम लोग देख के। कितना छोटा बच्चा, पूरा सुंदर सुंदर बच्चा है। बच्चा को देख के देख रहे मोहित जी एकदम सारे रोमांस आ गए। बाबू एक महीना तो कुछ कर नहीं बीच में पागल हो गए। चल लगाओ बाहर ना ले रहा है लो काम करे जाले बाहर का ही ना नहीं बाहर का तो रहा ले बीचवा में नहीं हो गया। हां बहुत पहले चल गया था, दिया का पहले नई सड़क मौलागंज का एक निवासी थे, स्वर्णकार जाति के हैं वो। हस्बैंड वाइफ से कुछ तुतुमेमे होने का कारण दो दिन से सुनने में आ रहा है कि लड़ाई झगड़ा चल रहा था, उसी क्रम में पत्नी आग लगा ली और उसको बचाने के क्रम में वो पति भी जल गया, जो घायल बुरी तरह घायल होने के बाद वो रामसागर तालाब में जाके कूद गया। वहाँ के जनता लोग उनको बचा करके निकाले हैं, निकाल के मेडिकल में भेजने का काम किए हैं। अब कैसे जला, किरासन तेल का तो धमक आ रहा है, अब ये तो जांच के विषय है। देखिए सूचना मिली थी कि एक महिला जल गई है, तो हम लोग आए हुए घटनास्थल पर देख रहे हैं कि महिला बुरी तरह से जली हुई है और बैठी हुई स्थिति में लग रही है।
अभी तक जो पता चल रहा है किरासन तेल वगैरह से जलने की बात इसमें आई है, अब जली कैसे है अब जांच का विषय है, आगे बताया जाए। भारतीय वायुसेना द्वारा पाकिस्तान पर किए गए एयर अटैक को लेकर शहर के विष्णुपद मंदिर के प्रांगण में गयापाल पंडित समाज और भाजपा के लोगों ने 1100 दीप प्रज्वलित किया। कार्यक्रम में भाजपा सांसद हरिमान जी सहित भाजपा के कई वरिष्ठ कार्यकर्ता और गयापाल पंडित समाज के लोग मौजूद रहे। वहीं पुलवामा की घटना में शहीद हुए सैनिकों को भी श्रद्धांजलि दी गई। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, वीर जवान अमर रहे, हमारे भारतीय सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद। पुलवामा हमला के बाद जो है हमारे सारे भारत के लोग जो है आक्रोशित थे। आज जो है भारत के सेना ने जो अपना पराक्रम दिखलाया है इसके लिए जो है हम विष्णुपद प्रबंधकारिणी और हमारे भारतीय जनता पार्टी की ओर से हमारे स्थानीय सांसद श्री हरि मांझी जी के द्वारा सब लोग मिल करके 1100 दीप प्रज्वलित जो है सौर दिवस के रूप में मनाया है, विष्णु भगवान का अर्चना किया और सौर दिवस के रूप में दीप प्रज्वलित किया है। और पूरे भारत के जनता की ओर से मैं शुभकामना प्रधानमंत्री को देना चाहता हूं और मेरा निवेदन होगा कि इसी तरह का जो है दोबारा फिर जो है स्ट्राइक होना चाहिए जिससे समूल जो है नाश जब तक के नहीं होता है आतंकवाद का भारत में शांति नहीं होगा। दीप जलन आज पूरे मतलब है कि गया जिला में पूरे देश में गया जिला भारत वर्ष में कि पहले ही से भारत के प्रधानमंत्री लेकिन कुछ दिन के लिए ये चला गया मेरे पहल मेरे पास भारत देश के पास ये जो पाकिस्तान जो हमला किया उसके चलते ये कार्यक्रम को टाल दिया गया। आज हम लोग को मौका मिल गया ये ज्योति जलाने का, आज हम लोग जलाने का काम पूरे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। भारतीय वायुसेना के द्वारा आतंकी हमले के जवाब में 350 आतंकियों के मारे जाने की खबर पर लोग अपने अलग अलग तौर तरीके से खुशियां मना रहे हैं। इसी कड़ी में गया शहर के बिसार तालाब स्थित माधुरी फाउंडेशन के तत्वाधान में संचालित स्पेक्ट्रम इंस्टीट्यूट के छात्र छात्राओं सहित शिक्षकों ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर और मिठाइयां खिलाकर अपने खुशी का इजहार किया। Thank you.
और सेना के सभी मतलब कि सभी वीर जो आज के सर्जिकल स्ट्राइक का भागीदार हैं उनको बहुत बहुत आभार है। और उत्साहवर्धन के लिए जिस तरह का हम लोग जो शहीद होते हैं उनके प्रति हम लोग का सम्मान व्यक्त होता, यही उत्साह हमारी हम सेना को कुछ नहीं दे सकते लेकिन यही उत्साह जो वर्धन करते हैं यही सेना के लिए काफ़ी है। मुझे ना बहुत खुशी हो रही है कि बदला हिंदुस्तान ने फर्स्ट टाइम लिया है, मुझे मेरे याद से तो ये फर्स्ट टाइम बदला है पाकिस्तान से। और मुझे ये उम्मीद मतलब ऑलवेज यही उम्मीद रखते रहता था कि बदला ले और हर रोज़ मैं शाम को यही देखने के लिए टीवी ऑन करती थी कि पुलवामा का हमला का बदला इंडिया कब लेगा। और आज मुझे सुबह खोलते ही इतना बड़ी खुशी हुई कि मैं बता नहीं सकती। थैंक यू मिली है कि जो हमारे जवान शहीद हुए थे पुलवामा में उनका जो शहादत है वो बेकार नहीं गया। और मुझे इस सरकार से बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी और बहुत हद तक जो हमारी गवर्नमेंट है वो इस चीज़ को कंप्लीट की है और भी उम्मीद करते इस ये जो आज आतंकी हमला के खिलाफ जो कार्रवाई हुई मैं इसको होलिका दहन की तरह ले रही हूँ और गवर्नमेंट से मांग करती हूँ कि जो होली है हमारा वो इससे भी ज़्यादा बेहतर होगा। मोतिहारी में पेड़ से लटके युवक जो सैनिक की वर्दी में था का शव बरामद किया गया है। मुफस्सिल थाना के सिरसा गांव की यह घटना है। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने हत्या कर शव को लटकाने का आशंका जाहिर किया है। बेतिया में घुसखोरों पर नकेल कसने के लिए निगरानी विभाग लगातार एक्टिव है। निगरानी विभाग ने इस बार बेतिया के रामनगर से एक घुसखोर बीईओ को पकड़ा है जिसका नाम विजय कुमार वर्मा है। बताया जा रहा है कि यह विजय कुमार किसी काम के एवज में 36,000 रुपए की डिमांड कर रहा था। जानकारी के बाद निगरानी विभाग की टीम ने यह कार्रवाई की है। रामनगर के बीओ साहब जो हैं ये विजय कुमार हैं, उनके द्वारा प्रधानाध्यापक खजूरिया स्कूल से प्रधानाध्यापक से रिश्वत की मांग की गई थी। इस एवज में तो ये इनके द्वारा स्कूल का औचक निरीक्षण किया गया तो दो शिक्षक महिला शिक्षक स्कूल से अनुपस्थित पाए गए। भारतीय वायुसेना द्वारा पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर किए गए एयर स्ट्राइक के बाद नरकटियागंज के नौजवानों ने भारतीय तिरंगे के साथ विजय जुलूस निकाला और पटाखे भी फोड़े। वहीं नरकटियागंज के शहीद चौक से निकाले गए विजय यात्रा में हजारों लोगों ने हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हुए पूरे बाजार का भ्रमण किया। मैं रोशन कुमार जिला फनंजा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बेतिया पश्चिम चंपारण भारतीय सेना को सलाम करता हूं कि उन्होंने अपने अदम साहस से पाकिस्तान में घुसकर जैश ए मोहम्मद के आतंकी ठिकानों का सफाया किया और इसमें एक भी पाकिस्तान के मासूम नागरिक नहीं मारे गए। इसके लिए भारतीय वायुसेना काबिले तारीफ है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद माननीय प्रधानमंत्री जी से मांग करते हैं कि कश्मीर में धारा 370 को जल्द से जल्द लगाया जाए ताकि कश्मीर के जो आतंकी समस्या है उसकी स्थायी समाधान किया जा सके। जय हिंद जय भारत, भारत माता की जय। बगहा व्यवहार न्यायालय में कार्यरत अधिवक्ता दिनकर शर्मा के साथ वाल्मीकि नगर थाना अध्यक्ष और एसडीपीओ संजीव कुमार पर बेवजह मारपीट करने और हाजत में न्यूज हालत में बंद रखने का आरोप लगाते हुए आक्रोशित अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्यों से खुद को अलग रखा है। बगहा बार एसोसिएशन ने इस मामले में न्योचित कार्यवाही होने तक कार्य बहिष्कार की घोषणा की है। हमारे एक अधिवक्ता दिनकर शर्मा को उनके घर से पुलिस के द्वारा बर्बरतापूर्ण कार्रवाई करते हुए पकड़ करके गन्ना से मारपीट किया गया है और उनको हाजत में वाल्मीकि नगर थाना के हाजत में ले जा करके और नंगा करके बंद करके भी मारपीट किया गया है। इस कार्रवाई में बगहा एसडीपीओ संजीव कुमार और वाल्मीकि नगर थाना प्रभारी का पूरा हाथ है और जब तक संजीव कुमार और वाल्मीकि नगर थाना प्रभारी का निलंबन नहीं होता है या उनके खिलाफ में पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती है
तब तक हम बगहा के अधिवक्तागण एक स्वर से इसका विरोध करेंगे और न्यायिक कार्य से अपने को अलग रखेंगे। यह कार्रवाई पुलिस की जो है यह कभी कतई बर्दाश्त के लायक नहीं है। हम अधिवक्तागण एकजुट हैं, एकजुट रहेंगे और माननीय उच्च न्यायालय में भी इसके खिलाफ कार्रवाई के लिए रिट फाइल किया जाएगा और इन पुलिसियों के खिलाफ में मुकदमा भी दायर किया जाएगा। इनको किसी स्तर से हम छोड़ने वाले नहीं है। बात करें बेगूसराय की तो बेगूसराय में 24 फरवरी की शाम 10 साल की बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म मामले की जांच करने भागलपुर से फॉरेंसिक टीम पहुंची। भागलपुर से पहुंची फॉरेंसिक टीम के 3 सदस्यों ने घटना स्थल खेत से मिट्टी और कुछ पत्ते जिसमें ब्लड के निशान थे उसे साक्ष्य के लिए इकट्ठा किया। साथ ही टीम ने पीड़िता के अंग वस्त्र और गिरफ्तार आरोपी के वस्त्र को भी साक्ष्य के लिए अपने कब्जे में लिया है। पाकिस्तान पर भारतीय वायुसेना के हवाई हमले को लेकर हर तरफ खुशी का माहौल कायम हो गया है। इसी कड़ी में मोकामा में भी लोगों की उत्साह चरम पर है। प्रखंड के छदरपुरा गांव में सेना की जाबाजी से लवरेज लोगों ने 4 दिवसीय महायज्ञ का भव्य आयोजन किया है। आतंकियों के सफाई की खुशी में इस गाँव में भव्य कलश यात्रा निकाली गयी। 201 महिलाओं ने गंगा नदी से जल ग्रहण कर शोभा यात्रा निकाली। गाँव के युवा सामाजिक कार्यकर्ता गुड्डू सिंह के नेतृत्व में निकली कलश यात्रा में वायुसेना की कामयाबी पर खुशी का इजहार भी किया गया। कैसा पूज बा एगो परिका हम ना पूजा देते हैं, चल हम निकलते हैं। पूजा ने पूजा ले करो सिनेमा हॉल के सामने स्थित महिंद्रा कंपनी कार्यालय के छत का सीलिंग काटकर नकदी और सीसीटीवी कैमरे का मशीन ले भाग गए। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंच मामले की छानबीन कर रही है। पैसा ले गया आपके सीसीटीवी कैमरा का बॉक्स ऊपर का छत की काट कर दिया। अच्छा फाड़ कर ले गया। काट पर ले जा ले क्या भाई? नहीं दिन तो रविदास चल गए चपल हतिया आगे जो 3 बजे के साथ था तो जरा डेरा पे पहुंच गए। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बिहार शरीफ सदर अस्पताल परिसर में बनाए गए मॉडल टीकाकरण केंद्र और ऑटोमेटेड सूचना केंद्र का उद्घाटन किया। इस टीकाकरण केंद्र और ऑटोमेटेड सूचना केंद्र का निर्माण केयर इंडिया के सहयोग से किया गया है। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि इस सेंटर के खुलने से जिले वासियों को काफी लाभ मिलेगा। मंगल पांडे जिंदाबाद। आप लोग बोलिए तब काट देंगे। हाँ सर, काट देंगे। ऐसी भी दे देंगे। राम सर, किसी का हाथ आपकी जमीन है? आपने राम को नहीं दिया? राम सर, खड़ा होइए। कल दे बंद कर दो। कैमरा तैयार है। दूसरा लेके आना।
नंदा सदर अस्पताल में मॉडर्न टीकाकरण केंद्र का उद्घाटन किया गया है। यह टीकाकरण केंद्र ऐसा है जिसमें सभी प्रकार की सुविधाएं लोगों को उपलब्ध हैं। बच्चे जो आएंगे उनको बैठने से लेके उनके उनकी जो माँ होंगी उनके भी बैठने की व्यवस्था की गई है। टीकाकरण के लिए अच्छा कक्ष हो, मानसिक रूप से भी बच्चा जच्चा बच्चा को बेहतर माहौल मिले, इसका प्रयास किया गया है। और भारतीय जनता पार्टी द्वारा पुलवामा में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए आयोजित कमल ज्योति कार्यक्रम के तहत भारतीय वायुसेना द्वारा पाकिस्तान में घुसकर किए गए कार्यवाही से खुश होकर बिहार शरीफ के इमादपुर रविदास टोला में होली और दीपावली एक साथ मनाकर लोगों ने अपनी खुशी का इजहार किया है। इस मौके पर इस टोले के सभी घरों को दीपों से सजाया गया। इस आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे भाजपा के नगर विधायक डॉक्टर सुनील कुमार ने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक 2 पर जिलेवासी काफी खुश है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे हिंदुस्तान में 26 तारीख को कमल ज्योति प्रोग्राम रखा था, उन गांव में शहीद जवानों को नमन करने के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। लेकिन ये हम लोगों को मालूम नहीं था कि प्रधानमंत्री ने क्यों ये कार्यक्रम तय किया है। उनको पहले से मालूम था कि आज पाकिस्तान वालों को मारेंगे और आज जो कार्रवाई उन्होंने किया है, इसीलिए आज हम होली और दिवाली दोनों मना रहे हैं। सीमांचल में सुबह से ही रुक रुक कर हो रही लगातार बारिश और मौसम की गिरावट से इन क्षेत्रों में ठंड ने दस्तक दे दी है। अररिया में बुधवार से हो रही बारिश से मैट्रिक के परीक्षार्थी को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इस इलाके के किसानों ने कहा कि यह बारिश फसल के लिए काफी अच्छी है। माशाल्लाह ये जो बारिश हो रही है, बारिश से तो काफ़ी खुशी होगी ख़ासतौर से किसान लोगों को, क्योंकि किसान लोगों को अभी उसका बहुत सारे पैसे बच जाएंगे, जैसे कि मक्का है या गेहूं है, ये सब चीज़ के लिए ख़ासतौर से मक्का के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और ये बारिश बहुत सारे इंसानों के लिए भी फ़ायदा है, क्योंकि बारिश एक अल्लाह की रहमत है और बारिश से बहुत सारे जहाँ पर बीमारियाँ होती है, गंदगियाँ फैलती है, कि बारिश की वजह से कुछ गंदगियाँ साफ़ हो जाती है। बारिश हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है, इसलिए अल्लाह ताला कभी कभी इस बारिश को हमारे लिए रहमत का जरिया बनाकर भेज देते हैं। वैशाली के चांदपुरा में एक युवक की गोली मारकर हत्या के बाद आक्रोशित लोगों ने जमकर बवाल किया। घटना से गुस्साए लोगों ने युवक के शव को थाने के सामने रखकर हंगामा करते हुए थाने पर भी हमला बोल दिया। इस दौरान तोड़फोड़ और पत्थरबाजी भी की गई। Thank you.
अमरनाथ इसमें रंगलाल तिवारी जो ASI है ASI इन पे कार्रवाई के लिए हमें अपने बड़े पदाधिकारी से बात कर ली है, ठीक है। सर ने मुझे आश्वासन दिया है कि उस पर अभिलंब कार्रवाई होगी, ठीक है। इस वक्त के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए बिहार न्यूज के साथ। नमस्कार।